इंडिया की टीम अब पहुंची है आदर्श नगर मोहल्ले में, और आपको दिखा दें कि इस तरीके से लोग जो है पानी के बीच, उनके घर जो है डूबे हुए हैं और लोगों को चार चार फीट पानी से होकर के गुजरना पड़ रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके बाद यहाँ पर जो संक्रामक बीमारियाँ फैलेंगी तो उसका नज़ारा क्या होगा। ये हाल जो है शहर का है, ये कोई तालाब नहीं है बल्कि आदर्श नगर मोहल्ले की सड़क है, जहाँ से लोगों को इसी पानी के बीच से, चार फीट पानी के बीच से होकर के गुज़रना पड़ रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसी उससे जाएंगे और इसी उससे लोगों को जाना पड़ता है, ये मजबूरी है। और आपको एक नज़ारा अभी दिखाएंगे लाइव कि किस तरीके से, ये देखिए एक बाइक जो है आ रही है और ये जाने के लिए अभी यहीं से गुजरेगी। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका रोज़ का घर होगा कि कैसे ये लोग गुजर बसर करते होंगे। इन्हीं से पहले हम जान लेते हैं, ये आपका मोहल्ला है क्या? जी। कौन सा मोहल्ला? आदर्श नगर सेक्टर 2। क्या शुभ नाम है? जी अनु कुमार हमारा नाम है और टीचर हैं हम लोग। और यहाँ तमाशा इतना बना होता है, थोड़ी सी भी बारिश होती है ना, हम लोगों को इतना यहाँ तक का पानी है, सब पैंट कपड़े सब भीग जाते हैं। क्यों ऐसी नौबत क्यों आई? अब यहाँ जल भराव की जो है वो व्यवस्था है नहीं, जल की निकासी की, यहाँ जल भराव रहता है। थोड़ी बारिश में भी आप देख रहे होंगे यहाँ पर आदमी डूब जाए, यहाँ डूबने तक का खतरा है यहाँ पर। तो कैसे गुजर बसर करते होंगे? कुछ भी नहीं है, तमाशा हो रखा है, हम लोग जो है ऐसे ही ऊपर आ पे भीग भीग के देखो सब ऐसे ही आ रहे हैं सब लोग। तो ऐसे ही आते हैं, इनकी दिनचर्या में हो गया, इनकी मजबूरी ये बन गई है। और देखिए एक महिला भी इनके साथ इसी बाइक पर सवार है, उन्हें पता है कि इन्हें 3 फीट 4 फीट पानी से होकर गुजरना पड़ेगा और ये जा रहे हैं अभी इसी पानी से होकर के। आप क्या कहना चाहेंगी, ये क्यों ऐसी नौबत? आप नो बताए, बहुत समस्या है ये पानी की, यहाँ पे बिल्कुल भी निकल नहीं सकते, बाइक पे भी पैर ऊपर करके चलना पड़ता है, बिल्कुल। इसके बाद बीमारियाँ भी आती होंगी, गंदगी, इतनी गंदगी है, देखिए कूड़ा करकट कितना है, बहुत गंदगी है यहाँ पे, गंदगी है। तो ये हाल है, गंदगी है। और देखिए अभी ये तैयार हैं, ये जा रहे हैं इसी पानी से होकर के, इनकी मजबूरी है, इनका कहना है, और इसी पानी से होकर के अपने घर तक पहुंचेंगे। घर के नज़ारा हम आपको फिर एक बार दिखाएंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि देखिए वो घर के बाहर बुज़ुर्ग व्यक्ति खड़े हैं और आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनके घुटनों के तक पानी है, तो पानी कितना होगा इसका अंदाज़ा, इसमें जलकुंभी तक जमाई है। तो ऐसे है जल भराव की नौबत, आप स्वयं देख सकते हैं। और ये शहर का ही मोहल्ला है जो अपने चेयरमैन को चुनते हैं, अपने विधायक को चुनते हैं और अधिकारियों और सरकार को भी बनाते हैं, अधिकारियों से भी अपेक्षा करते हैं कि वो इनकी समस्या को सुनेंगे, लेकिन इनकी समस्या को कोई नहीं सुनता है। ये नज़ारा शायद आप घरों के छतों पे खड़े लोग आप देख लीजिए एक बार कि कैसे ये लोगों की ज़िंदगी हो करके कैद, यानी कि पानी के कैदी बने हुए हैं, मजबूरी बस, ये कहीं निकल नहीं सकते और जाएंगे भी तो इसी गंदगी से होकर के जाएंगे। और ये हल्की बरसात में ये नज़ारा है, जब भीषण बरसात होगी तो इनके घर इसमें डूबते और तैरते नज़र आएंगे। ये कारण क्यों है ये भी आपको बता दें, ये जल निकासी ना होने के कारण ये हालात पैदा हो रहे हैं। तो ऐसे में लोग ऐसी समस्याओं से जब दो चार उन्हें होना पड़ रहा है तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दूर दराज क्या हालात होंगे। हम आपको आदर्श नगर का हाल दिखाए हैं, इसके बाद फिर किसी मोहल्ले को में चलेंगे और वहाँ का भी हाल जानेंगे। फिलहाल हम आपको इस पानी के बीच से कैसे लोग गुजरते हैं उसका भी नज़ारा दिखाने जा रहे हैं। देखिए ये है, ये कोई बाढ़ प्रभावित इलाके में नहीं जा रहे हैं बल्कि ये आदर्श नगर मोहल्ले का नज़ारा है जो अपने घर तक पहुंचने के लिए, फिलहाल यहाँ नाव तो नहीं पड़ सकती है लेकिन जो है इनकी बाइक ही नाव का काम कर रही है। ये बाइक डूबेगी भी और ये लोग भी इस बीच कैसे गुजरेंगे आपको अभी हम दिखाते हैं। तो आप बार बार हम ये बात कह रहे हैं कि ऐसे में जब ये अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं तो क्या अपेक्षा करते हैं, उस सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं और अधिकारियों से क्या उम्मीद रखते हैं, फिर भी तीनों स्तरों पर इनकी जब सुनवाई नहीं होती है तो ये बेचारे ऐसे ही नारकी जीवन जीने को मजबूर होते हैं। तो आप देखिए कि इस तरीके से ये लोग जा रहे हैं और इसी पानी के बीच से होकर के गुजर रहे हैं, ये अपने घरों को पहुँचने के लिए ऐसे ही जाते हैं।
तो ये आदर्श नगर मोहल्ले का हाल हम आपको दिखा रहे हैं, बराबर जिस जो पानी के बीच से होकर के ये अपने घर तक पहुंच रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए ये इनकी ज़िंदगी है और ये शहर के बासिंदे हैं, क्या कहते होंगे शहर में रह करके, क्या सरकार के प्रति इनकी धारणा होगी, क्या जिनको इन्होंने चुना है उनके प्रति क्या मानते होंगे और अधिकारियों से क्या उम्मीद रखते होंगे। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन व्यवस्थाओं में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो इनकी समस्या को दूर कर सके। सीतापुर से आई इंडिया के लिए समीर अख्तर, हसन गोगा और विपिन राजवंशी के साथ पंकज सिंह गौर।